नमस्कार, कक्षा 8 एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 2 हम करने जा रहे हैं। ये है n बटा 2 माइनस 3n/4 प्लस 5n/6 बराबर 21। रैखिक समीकरण का हल निकालना है, इसका मतलब इसकी चर इसमें है n, तो n का मान निकालना है हमें इसमें। तो जो सबसे पहला स्टेप होता है बच्चों, वो ये होता है कि n वाली सारी रकमें बराबर के एक तरफ हों और बिना n वाली रकमें दूसरी तरफ। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि n वाली रकम ये रही, n वाली रकम ये रही, n वाली रकम ये रही, ये पहले ही बराबर के लेफ्ट साइड पर है, और बिना n वाली रकम 21 ये बराबर की राइट साइड पर है। अगला जो स्टेप है वो है इन तीनों हरों का लघुत्तम लेना, इन तीनों हरों का लघुत्तम लेना। तो आइए देखते हैं, 2, 4, 6 इन तीन हरों का हम लघुत्तम लेंगे। सबसे पहले जाएगा 2 के पहाड़ में, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 6 आता है, 2 3 6। अब ये फिर से एक बार 2 का पहाड़ा गिनेंगे, 1 आ गया तो उसको ऐसे ही नीचे उतार लेंगे, 2 आएगा 2 एकम 2, 3 2 के पहाड़े में नहीं आता तो 3 को ऐसे ही उतार देंगे। उसके बाद 3 का पहाड़ा पड़ेंगे, 1 ऐसे ही उतार देंगे, 1 ऐसे ही उतार देंगे, 3 3 के पहाड़े में आएगा, 3 एकम 3। अब नीचे 1 1 1 बच गया, इसका मतलब ये गुणनखंडन, अभाज्य गुणनखंडन खत्म हो गया। एलसीएम किसके बराबर होगा, इन तीनों को गुना करके, 2 गुना 2 गुना 3, तो 2 दूनी 4 3 12, इसका मतलब लघुत्तम हमारे पास आया है 12। वैसे भी याद रखना बच्चों, लघुत्तम किसके बराबर होता है, छोटे से छोटा नंबर जिसके जो इन तीनों के पहाड़े में आए। तो 12 सबसे छोटा नंबर है जो 2, 4 और 6 तीनों के पहाड़े में आता है। अब हमने तरीका सीखा था, इस लघुत्तम को नीचे वाले से भाग करो, जो उत्तर आएगा उसको ऊपर वाले ऊपर से गुना करेंगे। 12 को 2 से भाग करके आएगा 6, 6 को ऊपर n से गुना कर देंगे तो आ जाएगा 6n, बीच में माइनस का निशान है तो माइनस। 12 को 4 से भाग करेंगे, 4 3 12, 12 को 4 से भाग करके आया 3, इस 3 को ऊपर 3n से गुना कर दो, 3 3 9n। 12 को 6 से भाग किया, 6 दूनी 12, 12 को 6 से भाग करके आया 2, 2 को ऊपर 5 से गुना कर देंगे तो आ जाएगा प्लस 10, 5 दूनी 10 n बराबर 21। अगले स्टेप में ये 12 यहाँ भाग हो रहा है, उधर जाके हो जाएगा गुना, और यहाँ बच गया 6n माइनस 9n प्लस 10n। ठीक है बच्चों, इसको कैसे हल करेंगे, प्लस वाली रकम में अलग प्लस कर लो, 10 प्लस 6 16। ठीक है बच्चों, दिख रहा है ना, 6n प्लस 10n, 6 प्लस 10 कितना हो गया 16n, 16n माइनस n 9n, 16 में से 9 माइनस किया 7n। ये समझ आया बच्चों आपको, दोबारा बता रहा हूँ, इनमें से हमने जो प्लस वाली रकम थी इसके साथ प्लस का निशान था, 6 भी प्लस का है क्योंकि कोई निशान नहीं है, यानी ये प्लस का है, तो 6n प्लस 10n, 9n को बाद में हल करेंगे, 6n प्लस 10n 16n, 16n में से 9n निकाल दिए 7n। ठीक है, ये जो बटा 12 था ये उधर जाके गुना हो चुका है। अगले स्टेप में देखो, n बराबर 21 गुना 12, 21 दूनी होता है 42, हासिल आया 4, 21 एकम 21 और 4 25, इसका मतलब 21 गुना 12 होता है 252। 7 इधर n के साथ गुना हो रहा है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग, सॉरी ये n ही लिख दिया मैंने, यहाँ आना है 7। ये समझ आया बच्चों, 21 को 12 से गुना करके 252 आया, 7 n के साथ यहाँ गुना हो रहा था, उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा। अभी आ गया 252 बटा 7। अब हम इसे काट के देखते हैं, 7 या 21, ठीक है, 25 में से 21 के 4, 4 2 के साथ जुड़ के बना 42, 7 6 42, इसका मतलब 252 को 7 से, यदि आपको ये काटना नहीं आता तो आप क्या कर सकते हो, 252 को 7 से भाग करके देख सकते हो, तो हमारे पास उत्तर आया है 36। इसका मतलब n बराबर आ गया है 36 के। हमें रैखिक समीकरण का हल निकालना था, रैखिक समीकरण में चर थी n, n का ही हमने मान ज्ञात कर दिया है, यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर है, यही इस समीकरण का हल है। ठीक है बच्चों, ऐसी कोई भी आपको समीकरण मिले तो आपने वहां पर क्या करना है, सिर्फ जो भी चर दी है उसकी वैल्यू निकाल देनी है। तो ये उत्तर यहीं पे आ गया है, आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको यह प्रश्न समझ आया होगा। यदि आपको यह प्रश्न अच्छे से समझ आया
तो हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। यदि आप वीडियो लाइक करते हैं तो उससे हमें और मेहनत से वीडियोस बनाने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद।